हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था जो जीवधारियों के गुण होते हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें जो है आप लोगों को वृद्धि ग्रोथ के विषय में और रिप्रोडक्शन के विषय में बताया गया कि जीव में जो है वृद्धि होती है और क्या होता है, जलन होता है। तो जलन में दो प्रकार का जलन हम बताए हैं। पहला जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो है एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है और उसके जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों के समान होते हैं। उसके गुण समान होने की वजह से उनको क्लोन बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। इसके बाद से आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में बताए थे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो विपरीत जो है जनकों की आवश्यकता पड़ती है और उनके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और जैव विकास में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज की इस क्लास में जीवधारियों के जो गुण होते हैं, आगे आप लोगों को बताएंगे कि जीवधारियों के अन्य और क्या क्या गुण होते हैं, उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। अब देखिए, इसमें जो अगला जो गुण है उपापचय, यानी कि मेटाबोलिज्म। तो जो उपापचय की क्रिया होती है ये सजीव में होती है। सजीव की कोशिकाओं में होने वाला संपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया को उपापचय कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, सजीव का जो शरीर होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कोशिका से मिलकर क्या होता है, शरीर का निर्माण हुआ। कोशिका के अंतर्गत जो है कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, माइटोकांड्रिया है, याचिकाए है, क्लोरोप्लास्ट है। तो कोशिका जो होते हैं उनमें जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचय बोलते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो उपापचय में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहला होता है अपचयन, पहला क्या होता है अपचयन, यानी कि कैटाबॉलिज्म, यानी कि विनाशात्मक क्रिया है, विनाश की तरफ जाने वाली क्रिया है, इसको बोलते हैं विनाशात्मक क्रिया। तो इसमें क्या है कि जब से जीव पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं तब से जो है श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक जीव को जीने के लिए जो है श्वसन जो है सबसे ही महत्वपूर्ण है। श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो जीव में जो विकास नहीं हो पाएगा, वो जो है निष्क्रिय हो जाएंगे। तो जो अपचय होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है, ये क्या होता है, ये विनाशात्मक क्रिया होती है। इसके अंदर क्या होता है, श्वसन और उपसर्जन। हम लोग जानते हैं कि श्वसन के अंतर्गत जो है हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो ऑक्सीजन ग्रहण होता है, ऑक्सीजन ग्रहण के उपरांत हमारे अंदर जो वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, उसका विघटन होता है और विघटन होने के उपरांत जो है ऊर्जा का निर्माण होता है और उस ऊर्जा के द्वारा जो है हम अपने शरीर का जो है वृद्धि और विकास करते हैं। तो श्वसन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो बचते हैं हमारी बॉडी में, उसका हम क्या करते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। तो श्वसन और उत्सर्जन जो है अपचय क्रिया, यानी कि कैटाबॉलिज्म। इसके बाद से उपचय, यानी कि दो भाग में इसको बांटा गया है, अपचय और उपचय, यानी कि एनाबॉलिज्म, यानी कि ये रचनात्मक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। जैसे पोषण के द्वारा जो है शरीर का क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। तो पोषण के अंतर्गत जो है पाचन है, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के उपरांत जो है शरीर का जो है पोषण होता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये है उपचय अभिक्रिया। तो श्वसन और उत्सर्जन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचय, और पोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उपचय। इसके बाद जो अगला नंबर आता है जीवधारियों के गुण में श्वसन। कोई भी ऐसा जीवधारी नहीं है कि जो सांस ना ले, जिसकी सांस लेने की जो आवश्यकता है, श्वसन यानी कि पेरेशन, यानी कि वायुमंडल से क्या होता है कि ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं
हम लोग जानते हैं कि पौधों के द्वारा ऑक्सीजन क्या होता है, मिलता है, और उस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग उत्सर्जित करते हैं कि अपचय कर देते हैं कि उसको निकालते हैं। निकालने के बाद से जो है CO2 छोड़ने के बाद क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो उसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या होता है, विघटन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें हम लोग प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वसा मिलता है, उसका विघटन होता है, और विघटन किसके द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा, और इसके द्वारा जो है हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब आप सांस लेते हैं तो उससे क्या मिलता है, ऊर्जा हमें मिलती है। जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसका विघटन होता है, और विघटन होने के बाद से जो है उससे ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा के द्वारा हम अपने कार्य को करते हैं और हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। अगला जो नंबर है बच्चों, ये है पोषण, न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषण होता है पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पौधों में जो पोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण के अपना प्रकाश की उपस्थिति में जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद से जो है उनमें पोषण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में जो है पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और उसके बाद से जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो है पौधों का जो है वृद्धि और विकास होता है, पोषण होता है। और जंतु जो होते हैं पौधों के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, तो इसीलिए पौधों को बोलते हैं स्वपोषी और जंतुओं को बोलते हैं विषमपोषी। यानी कि जो जीव होते हैं वो पौधों पर आश्रित होते हैं, वो भोजन के लिए किसपे आश्रित है, पौधों पर आश्रित। इसके बाद से अनुकूलन और एडाप्शन, यानी कि जिस वातावरण में जो जीवधारी रहते हैं उसके अनुकूल हो जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो जम्मू कश्मीर में जो भेड़ होते हैं उनके जो ऊन होते हैं, जो उनके बाल होते हैं वो काफी घने होते हैं, क्या होता है वो ठंड से उनको उनकी रक्षा करते हैं, कि वो जो है जीवधारी उसी के अनुकूल है, उस मौसम में रहने के लिए अनुकूलित है। तो हम जिस मौसम को एडाप्ट कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुकूलन। संवेदनशीलता होती है जीवधारी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या होता है, वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं, संवेदन होता है। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग को एहसास होता है कि भाई गर्मी हो रही है, और गर्मी का एहसास जो हमें पसीना जब निकलता है और पसीना जब आते हैं तो हमें एहसास होता है कि लग रहा है कि गर्मी पड़ रही है, यानी कि संवेदनशीलता, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो बताती है कि जो है गर्मी पड़ रहा है, गर्मी के सापेक्ष जो है संवेदनशील है। और जो पसीना बाहर आता है वो जो है वातावरण टेम्परेचर को जो है मेंटेन करता है। इसके बाद से उत्सर्जन है, तो उत्सर्जन में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं और यूरिक अम्ल को जो है बाहर निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। ये भी जीवधारियों में होता है, ये गुण होते हैं। इसके बाद से जो है जीवन चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल होता है। तो लाइफ साइकिल यानी कि जब से बच्चे का जन्म होता है तो भ्रूण अवस्था के उपरांत जो है शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था के बाद से बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के बाद से किशोरावस्था में आते हैं, प्रौढ़ावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था के बाद फिर उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार का एक साइकिल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल। तो जीवधारियों में जो है इस प्रकार के गुण जो है पाए जाते हैं। आप लोग को बता दिया गया है कि वृद्धि यानी ग्रोथ, और दूसरा जो है रिप्रोडक्शन यानी कि जलन। आज जो है आप लोगों को उपापचयन के विषय में बताया है कि जीवधारियों में जैव रासायनिक क्रियाएं होती है जिसको हम उपापचय बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है अपचय होता है, अपचय में श्वसन और उत्सर्जन, व्यक्ति जो है सांस लेते हैं और उत्सर्जित करते हैं, ये विनाशात्मक प्रक्रिया होती है।
इसके उपरांत जो है अपचय की क्रिया होती है, एनाबोलिज्म होता है, यानी कि ये जो क्रिया होती है रचनात्मक क्रियाएं होती है। इसके अंतर्गत जो है पोषण आते हैं और इसके बाद जो है श्वसन रिस्पायरेशन, यानी कि वायुमंडल से जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है छोड़ते हैं तो उसको क्या होते हैं श्वसन होते हैं रिस्पायरेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वसा होता है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो विघटन होने के उपरांत जो है हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसी ऊर्जा के द्वारा जो है हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। जो अगला जो है इसमें टॉपिक है जीवधारियों के जो गुण है उसमें जो है न्यूट्रिशन, यानी कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसको स्वपोषित होता है, और जो व्यक्ति अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसको बोलते हैं विषम पोषी। तो जंतु जो होते हैं वो जो है पौधों पे जो है आश्रित होते हैं उसको बोलते हैं वो पोषण। इसके बाद से अनुकूलन है, संवेदनशीलता का मतलब ये हुआ कि वातावरण के परिवर्तन के उपरांत जो है जीवधारी जो है अनुभव करते हैं कि गर्मी की ऋतु आई है, जाड़े की ऋतु में जो है लोग ऊनी वस्त्र पहनने लगते हैं। इस प्रकार से जीवधारियों में क्या होता है संवेदनशीलता के गुण जो है विकसित होते हैं। इसके उपरांत जो जीवधारियों में सर्जन के गुण पाए जाते हैं, उत्सर्जन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिक अम्ल जो है बाहर निकलते हैं इसको बोलते हैं उत्सर्जन। इसके बाद से जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के अंतर्गत जो है बच्चे की प्रारंभिक अवस्था भ्रूण अवस्था होती है, इसके उपरांत शैशव अवस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, उसके बाद से वृद्धावस्था और उसके बाद से जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से एक चक्र का निर्माण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो इस प्रकार से जीवधारियों के जो गुण है यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया। अगले क्लास में जो है जो आगे की चीजें बची हुई है उसको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।